ओम शांति। 7 नवंबर 2022। आज की अव्यक्त मुरली। टॉपिक है सर्व खजानों से संपन्न बनो, दुआएं दो दुआएं लो। ये महावाक्य 30 नवंबर 1992 की रिवाइज मुरली से उच्चारित है। बाबा के महावाक्य शांति में बैठकर सुनेंगे और आत्मसात कर लेंगे। बाबा कहते हैं, दुआएं किसको मिलती हैं? जो संतुष्ट रहे सबको संतुष्ट करे। जहां संतुष्टता होगी वहां दुआएं होंगी। और कुछ भी नहीं आता तो कोई बात नहीं, भाषण करना नहीं आता है कोई बात नहीं, सब गुण धारण करने में मेहनत लगती हो, सब शक्तियों को कंट्रोल करने में मेहनत लगती हो, उसको भी छोड़ो। लेकिन एक बात यह धारण करो कि दुआएं सबको देनी है और दुआएं लेनी है, इसमें सब आ जाता है। बाबा कहते दिव्य गुण शक्तियां आपे ही आ जाएगी। कोई आपको दुख दे तो भी आपको दुआएं देनी है तो सहन शक्ति समाने की शक्ति होगी ना, सहनशीलता का गुण होगा ना। अंडरस्टूड है, दुआएं लेना और दुआएं देना यह बीज है, इसमें झाड़ स्वतः ही समाया हुआ है। इसकी विधि है दो शब्द याद रखो, एक है शिक्षा और दूसरी क्षमा रहम। बाबा कहें तो शिक्षा देने की कोशिश बहुत करते हो, क्षमा करना नहीं आता तो क्षमा करनी है, क्षमा करना ही शिक्षा देना हो जाएगा। शिक्षा देते हो तो क्षमा भूल जाते हो, लेकिन क्षमा करेंगे तो शिक्षा स्वतः आ जाएगी। शिक्षक बनना बहुत सहज है, सप्ताह कोर्स के बाद ही शिक्षक बन जाते हैं। तो क्षमा करनी है, रहम दिल बनना है, सिर्फ शिक्षक नहीं बनना है। क्षमा करेंगे अभी से ये संस्कार धारण करेंगे तब ही दुआएं दे सकेंगे, और अभी से दुआएं देने का संस्कार पक्का करेंगे तभी आपके जड़ चित्रों से भी दुआएं देते रहेंगे। बाबा कहते हैं चित्रों के सामने जाकर क्या कहते हैं, दुआ करो, मर्सी रहम दो। आपके जड़ चित्रों से जब दुआएं मिलती हैं तो चैतन्य में आत्माओं से कितनी दुआएं मिलेंगी। दुआओं का अखुट खजाना बाप दादा से हर कदम में मिल रहा है, लेने वाला लेवे। आप देखो अगर श्रीमत प्रमाण कोई भी कदम उठाते हो तो क्या अनुभव होता है, बाप की दुआएं मिलती है ना। और अगर हर कदम श्रीमत पर चलो तो हर कदम में कितनी दुआएं मिलेंगी, दुआओं का खजाना कितना भरपूर हो जाएगा। कोई भल क्या भी देवे लेकिन आप उसको दुआएं दो, चाहे कोई क्रोध भी करता है उसमें भी दुआएं हैं। क्रोध में दुआएं हैं कि लड़ाई है, चाहे कोई कितना भी क्रोध करता है लेकिन आपको याद दिलाता है कि मैं तो परवश हूं लेकिन आप मास्टर सर्वशक्तिवान हो, तो दुआएं मिली ना, याद दिलाया कि आप मास्टर सर्वशक्तिवान हो, आप शीतल जल डालने वाले हो। तो क्रोधी ने दुआएं दी ना, वह क्या भी करे लेकिन आप उससे दुआएं लो। बाबा कहते सुनाया ना, गुलाब के पुष्प में भी देखो कितनी विशेषता है, कितनी गंदी खाद से बदबू से खुद क्या लेता है, खुशबू लेता है ना। गुलाब का पुष्प बदबू से खुशबू ले सकता और आप क्रोधी से दुआएं नहीं ले सकते। विश्व महाराजन गुलाब का पुष्प बनना चाहिए या आपको बनना चाहिए, यह कभी भी नहीं सोचो कि यह ठीक हो तो मैं ठीक हो जाऊं, यह सिस्टम ठीक हो तो मैं ठीक हूं। कभी सागर के आगे जाकर कहेंगे हे लहर आप बड़ी नहीं छोटी आओ, टेढ़ी नहीं आओ सीधी आओ। ये संसार भी सागर है, सभी लहरें न छोटी होंगी न टेढ़ी होंगी न सीधी होंगी न बड़ी होंगी।
तो यह आधार नहीं रखो, यह ठीक हो जाए तो मैं हो जाऊं। बाबा कहे तो परिस्थिति बढ़े या आप बढ़े। बाप दादा के पास तो सब बातें पहुंचती है ना, यह ठीक कर दो तो मैं भी ठीक हो जाऊं। इस क्रोध करने वाले को शीतल कर दो तो मैं शीतल हो जाऊं। इस खिटखिट करने वाले को किनारे कर दो तो सेंटर ठीक हो जाएगा। ऐसा रुझान नहीं करना। बाबा कहे आपका स्लोगन ही है बतला ना लो बदल कर दिखाओ। यह ऐसा क्यों करता है, ऐसा नहीं करना चाहिए, इसको तो बदलना ही पड़ेगा। परंतु पहले स्व को बदलो। स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन व अन्य का परिवर्तन, या अन्य के परिवर्तन से स्व परिवर्तन है। स्लोगन रॉन्ग तो नहीं बना दिया ना, क्या कहेंगे? बाबा पूछ रहे हैं स्व को बदलेंगे या दूसरों को बदलने में समय लगवाएंगे। चाहे एक वर्ष भी लगा कर देखो, स्व को नहीं बदलो और दूसरे को बदलने की कोशिश करो। समय बदल जाएगा लेकिन ना आप बदलेंगे ना वो बदलेगा। समझा? अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।